दोस्तों नमस्कार। रंग पंचमी की शुभकामना सबको। आज रंग पंचमी है, रंगों का त्यौहार है। खुशी से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। हम आपको ये दो मदरबोर्ड के बारे में आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम दोनों मदरबोर्ड साथ में रख के आपको बता रहे हैं। ये बिग डिपर में लगने वाले मदरबोर्ड हैं और बहुत से पारों में लगते हैं, और आप भी ये मदरबोर्ड किसी भी पार में लगा सकते हैं, जिसमें जैसे वोल्टेज है उसके हिसाब से सूटेबल आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे अगर आपकी पार 36 वोल्ट की है तो ये मदरबोर्ड आप सब में लगा सकते हैं। इसमें चेंज क्या करना होता है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर सप्लाई अगर 30 के अंदर है, 30 के आसपास है, 28, 30, 24, तो उसमें आप ये मदरबोर्ड लगा सकते हैं। ये दोनों में चेंजेस क्या करना पड़ता है, कैसे आप लगाएँ, ये आपको हम बताएँगे। इसमें दोनों में देखिए DMX कनेक्शन तो सब में आते हैं, उसको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। जैसे इसके 1, 2, 3 जो दिए रहते हैं DMX के पॉइंट, उसको आपको मैच करना रहता है। तो उस तरह ये दोनों का कनेक्शन सेम ही रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो आप किसी भी ये सिंगल कनेक्शन वाले पे भी आप DMX कनेक्शन जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर आपकी ये कनेक्टर 6 पिन की अगर है, तो आप सप्लाई साइड से छोड़ करके जो आखिरी की पिन है उसको निकाल दिया करें, क्योंकि उसके वजह से कभी कभी कनेक्टर गलत लगने से आपका प्रॉब्लम आता है। बहुत कुछ ब्लिंकिंग का भी प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी आपका मॉस्फेट शॉर्ट हो जाता है उसके वजह से कोई, तो आप ये ज़रूर ध्यान दें। सबसे पहले मदरबोर्ड लगाने में आपको ध्यान देना होता है कनेक्टर का, सप्लाई कनेक्टर का। आप पावर सप्लाई से कभी भी चेक करें कनेक्टर कि प्लस साइड हमारे इसके प्लस पे आए और निगेटिव पे आए इसका, प्लस और माइनस ये दोनों का बहुत ध्यान देना होता है। प्लस माइनस अगर आप बराबर जोड़ देते हैं तो बाकी कनेक्शन नहीं देते हैं तो भी आप डिस्प्ले देख लें पीछे, अगर डिस्प्ले सही आ रहा है उसके बाद पंखे का और ये कनेक्टर आप लगाएँ। पहले सबसे पहले आप सप्लाई दे करके इसका डिस्प्ले पीछे का ज़रूर देख लें। तो अगर ये आपका उल्टा सप्लाई हो रहा है तो आप कनेक्शन अंदर से पावर सप्लाई से चेंज कर सकते हैं, या ये कनेक्टर अगर आपका निकल जाता है तो इसको निकाल के घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सप्लाई पे ध्यान देना होता है। सप्लाई बराबर आप लगा देते हैं तो डिस्प्ले आ जाता है, उसके बाद इस कनेक्टर को लगाइए आप। अगर आपका 6 का कनेक्टर है या 5 का कनेक्टर है तो 5 तो बराबर लग जाता है, अगर 4 का कनेक्टर है तो आपको एक सप्लाई छोड़ देना होता है, एक ही सप्लाई का पिन यूज़ करना होता है। यहाँ से लगाएंगे 4 आप कनेक्शन तो भी आपका बोर्ड काम करता है। इसमें भी सिमिलर ये 5 पिन ही है। सप्लाई का कनेक्शन देखेंगे तो देखिए इसका दोनों का उल्टा दोनों का शरीक एक जैसे ही है, प्लस इधर यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा इसका, और इसका भी सेम ही दिया है, प्लस यहाँ है माइनस है, लेकिन किसी किसी में उल्टा रहता है। तो आप सप्लाई देख के इसको चेंज कर ले पहले ही तो अच्छा रहेगा ये। और एक बार डिस्प्ले आ गया उसके बाद पंखे का कनेक्शन दे। पंखे का कनेक्शन पहले आप नहीं दे बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी उल्टा सप्लाई होने से आपका पंखा जल जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको मदरबोर्ड चेंज कर रहे हो आप, तो पहले सबसे पहले डिस्प्ले देखना ज़रूरी होता है। आप सप्लाई जोड़ लें पहले और डिस्प्ले देख लें, अगर डिस्प्ले सही आ जाता है उसके बाद आप फैन और आगे के कनेक्टर्स लगाएँ। अब हम देखेंगे कि दोनों बोर्ड में चेंजेस क्या है। तो ये देखिए, इस बोर्ड को हम हीट सिंक वाले बोर्ड के नाम से जानते हैं और ये विदाउट हीट सिंक है। हीट सिंक इसको बोलते हैं जो मॉस्फेट के ऊपर लगा रहता है। ये देखिए यहाँ 3 मॉस्फेट है, ये ओपन है इसके, और ये देखिए मॉस्फेट के ऊपर से ये हीट सिंक लगा हुआ है, और ये 3 क्वाइल भी लगी रहती है, जो कि इसके अंदर एक ही सिंगल क्वाइल है, रेड कलर के लिए रहती है। यहाँ पे RGB के लिए 3 क्वाइल है, ये R है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, 3 कलर की 3 क्वाइल लगी रहती है, लेकिन इसमें सिंगल क्वाइल रहती है। तो आप इस तरह से भी दोनों को पहचान सकते हैं। इसमें रेगुलेटर देखिए यहाँ लगा है, 5 वोल्ट का रेगुलेटर यहाँ पे लगा है, इसमें भी 5 वोल्ट का रेगुलेटर यहाँ पे लगा है। थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, जैसे यहाँ एक क्वाइल दिया हुआ है वो इसमें नहीं है, और बाकी चेंजेज आपको और बता रहा हूँ। मॉस्फेट के पास में एक ड्राइवर IC लगी है, इसमें देखिए 3 IC लगी है, लेकिन इसमें कोई ड्राइवर IC नहीं है। ये डायरेक्ट जो ड्राइव आता है प्रोसेसर से, वो सीधा मॉस्फेट पे जाता है, इसलिए इस बोर्ड में जब मॉस्फेट शॉर्ट होते हैं तो आपकी प्रोसेसर IC ख़राब हो जाती है। और ये यहाँ पे मेमोरी लगी हुई है, मेमोरी यहाँ भी है, ये सेम रहता है, मेमोरी सब में रहती है। और ये डिस्प्ले के लिए IC है, ये देखिए यहाँ डिस्प्ले की IC है। डिस्प्ले और प्रोसेसर का भी संबंध रहता है, कभी कभी डिस्प्ले की IC ख़राब होने से भी फंक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें SDL और SCL पल्स जो आते हैं वो कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं, तो आपकी प्रोसेसर को काम नहीं करने देता है। तो ये डिस्प्ले IC पहले आप चेंज करके देख सकते हैं, चाहे चेंज करने के लिए आसान होती है, इसकी पिन दूर दूर है तो ये आराम से चेंज हो जाती है। तो डिस्प्ले IC आप चेंज करके कन्फर्म कर लिया करें, कभी कभी फंक्शन के लिए प्रॉब्लम के लिए भी डिस्प्ले IC ख़राब मिली है मुझे, तो आप ये डिस्प्ले की IC चेंज करके देख सकते हैं। डिस्प्ले का काम तो करती ही करती है, लेकिन SDL और SCL पल्स
ग्राउंड होने के कारण या इसी प्रोसेसर को काम नहीं करने देती है, तो ये प्रॉब्लम आता है। और बाकी प्रॉब्लम तो हमने आपको बताया है, वो सब मदरबोर्ड में रिपेयर करके कि इसका हीटसिंक आप पहले निकाल दें, मॉस्फेट नीचे का चेक करें, मॉस्फेट के नीचे क्या क्या लगा रहता है वो भी आपको मैंने बताया है। एक रेजिस्टेंस, एक डायोड और मॉस्फेट, ये तीन चार सामान हमको एक साथ चेंज करते हैं। और जो कलर का प्रॉब्लम है उस कलर की आईसी हम ड्राइवर आईसी पहले चेंज करते हैं। जैसे ये रेड की ड्राइवर है, ये ग्रीन की ड्राइवर है और ये ब्लू की ड्राइवर है। इसमें होता क्या है कि इस आईसी से जो वोल्टेज आता है, वेरिएबल वोल्टेज जो आईसी को इनपुट रहता है और इसका आउटपुट मॉस्फेट पे जाता है, तो ये आईसी के कारण हमारा मॉस्फेट ख़राब होने के बाद भी आईसी कभी कभी बच जाती है। इसमें रिपेयरिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसमें रिपेयरिंग के चांस कम हो रहते हैं। एक प्रॉब्लम इसका कॉमन है इस बोर्ड में, ये कॉइल ड्राई हो जाती है, इसके कारण लाल कलर आपका आता जाता है, एब्सेंट होता है हिलने के कारण। तो आप इस कॉइल को दोनों साइड से शोल्डर रहती है, इसको अच्छे से शोल्डर कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। और इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे तो रेड कलर का मॉस्फेट ख़राब होता है। ये मॉस्फेट ख़राब हो जाए आपका, तो इसके साथ में आप ये डायोड जरूर चेक करें, ये डायोड शॉर्ट हो जाता है मॉस्फेट के साथ में, तो आप दूसरा भी मॉस्फेट डालेंगे तो तुरंत शॉर्ट होता है। तो आप इसके साथ में ये डायोड जरूर चेंज करें, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आता है तो प्रोसेसर से ही रहता है ज़्यादा करके। ये फ्रंट साइड आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रंट साइड लगभग एक जैसे ही रहता है, फ्रंट साइड में कुछ चेंजेज नहीं रहता है। इसकी फिटिंग भी सेम रहती है, स्विचेज देखिए, डिस्प्ले देखिए, सब सेम है, कोई भी चेंजेज नहीं है इसमें। ये खाली जो पीछे के कंपोनेंट्स है उसमें चेंज है, इसके प्राइजिंग में चेंजेस रहता है। ये थोड़ी 100 रुपये 100 रुपीज के आसपास इससे महंगी रहती है ये मॉस्फेट, ये हीटसिंक वाला बोर्ड। और 36 वोल्ट की सप्लाई है वहाँ पे, आप ये हीटसिंक वाला ही लगाएं, यही मदरबोर्ड अच्छा चलता है। ये मदरबोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा, उतने वोल्टेज पर नहीं काम कर पाता है। जहाँ पर लो वोल्टेज है वहाँ पर ये लगाए, आजकल के पारों में 30-32 वोल्ट तक यही लगा के आता है। 36 वाले का भी सप्लाई, 33 वोल्ट की सप्लाई आने लगी है अभी, वो 32 वोल्ट करके यही मदरबोर्ड लगाते हैं। ये मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा उसमें ख़राब होता है, तो आप अगर कलर प्रॉपर आता है तो यही मदरबोर्ड लगाएं। क्या होता है कभी कभी हम इसके जगह पे ये मदरबोर्ड की जगह पे ये हीटसिंक वाला मदरबोर्ड लगाते हैं तो कलर प्रॉपर नहीं आ पाता है, इसमें ब्लू कलर वीक हो जाता है, कलर कम्बिनेशन बराबर नहीं आता है, तो इसलिए हम ये मदरबोर्ड वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पर यही मदरबोर्ड आपको लगाना पड़ेगा। अगर वोल्टेज 36 या 30 अबव 32 33 है तो ये मदरबोर्ड चल जाता है, उसमें कलर बराबर आता है। अगर आपका प्रॉपर कलर नहीं आ रहा है तो पावर सप्लाई थोड़ा सा आप बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप जो एलईडी बोर्ड है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि एलईडी बोर्ड अगर आपका कम वोल्टेज का है तो ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो बोर्ड गर्म होकर ख़राब हो सकता है। इसलिए ध्यान देके मदरबोर्ड को ध्यानपूर्वक लगाएं, जिसमें जो सूटेबल पार्ट्स हैं वही लगाएं, पंखा मदरबोर्ड और जो उसका एलईडी बोर्ड है वो सब एक ही वोल्टेज के लगाएंगे आप तो अच्छा रहेगा, और मदरबोर्ड भी आप उसी हिसाब से लगाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने मदरबोर्ड दोनों मदरबोर्ड के फर्क बीच में अंतर बताया मैंने, और यही मदरबोर्ड बिग डिपर में दोनों में लग के आ रहे हैं। बिग डिपर में ज़्यादा करके सब में थोड़े थोड़े चेंजेज वाले मदरबोर्ड आते हैं, जैसे इस टाइप का मदरबोर्ड कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये भी एक जैसे ये थोड़ा बहुत चेंजेस है, सेम ही है, सिमिलर ही है, भी बहुत अलग टाइप के मदरबोर्ड कंपनियाँ लगाती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग रहती है। देखिए जैसे ये है, ये मदरबोर्ड भी सिमिलर है, इसका देखिए रेड का जल गया है पूरा। तो इस तरह के मदरबोर्ड आप बिग डिपर या कोई भी पार में लगा सकते हैं, खाली कनेक्शन आपको देखना है, सप्लाई कनेक्शन, उसके बाद में ये कनेक्शन, कभी कभी किसी का कनेक्टर उल्टा रहता है तो आपको मैच करना है कि प्लस सप्लाई प्लस पे जाए, और ये आरजीबी सबका सेम रहता है, प्लस के बाद में रेड ग्रीन ब्लू ऐसे इसके कनेक्टर रहते हैं, तो इसको मैच करके आप लगा देते हैं। तो कोई भी पार में आप ये मदरबोर्ड लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और कुछ बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फिर से आप सबको एक बार रंग पंचमी की शुभकामनाएं, धन्यवाद।